2014 का सबका साथ सबका विकास 2019 में परिवर्तित हो गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब विश्वास की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुख्य मुद्दा यही है। जो व्यक्ति जिस दंगों में 2500 लोग मरे हो उसकी माफी मांगने तैयार नहीं था, जो व्यक्ति टोपी पहनने में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति केंद्र सरकार का मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति जी के रोजा अफ्तार में जाने के लिए तैयार नहीं था, वो आज सबसे पहले भाषण में कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना। मैं उन्हें बधाई देता हूं, मैं उन्हें इस बात की भी बधाई देता हूं कि आकर सबसे पहले उन्होंने भारतीय संविधान को नतमस्तक हुए। मैं बधाई देता हूं। क्या ये परिवर्तन वाकई में है या केवल जुमला है? मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी अगर वो वाकई में जो कह रहे हैं करके दिखा दें। कैसे विश्वास प्राप्त होगा माननीय सभापति महोदय? ये सांप्रदायिकता का जहर कूट कूट कर आप लोगों ने भर दिया है, उसका परिणाम झारखंड में उस लड़के के साथ हुआ। ठीक है, अगर उसने चोरी की थी तो आपको क्या अधिकार था कि 18 घंटे तक एक इलेक्ट्रिक पोल में बांधकर उसकी पिटाई करें? अरे वहां क्या सरकार है, वहां का पुलिस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी वो पुलिस जो 18 घंटे तक उसकी पिटाई होती रही उसके बावजूद भी देखने तक नहीं आई? बड़ा दुख होता है माननीय सर कहते, जब नई विधान लोकसभा में एक तरफ से नारा लगता है जय श्री राम, दूसरे तरफ नारा लगता है अल्लाहु अकबर। ये भारत की संसदीय परंपरा का में ये हालात में आप लोगों ने पहुंचा दिया है। ये जहर आसानी से नहीं मिटेगा, कितनी कोशिश कर लीजिए सस्तबुद्धे जी, ये जहर अब कूट कूट कर आपने इस देश की जनता में भर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थी जिस पर इस देश का मुसलमान भरोसा करता था। रफ़ी अहमद किदवाई साहब ने, उनके पास कुछ मुसलमान बच्चे गए, उन्होंने कहा कि हमारी इस दिक्कतें हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नेता नहीं हूँ, तुम्हारा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति रहे हैं कि आज पूरे 2019 के राष्ट्रपति जी के भाषण में बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है तो इन 5 सालों में बढ़ी है। 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के रजिस्टर आज फिगर्स हमारे सामने आए हैं। हम आपने कहा गरीबों की बात करते थे नड्डा जी, आपने मिनिमम बैंक अकाउंट जो उसका आपने नियम बनाया और एक साल में 5,000 करोड़ गरीबों की जेब से निकाल कर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया। आतंकवाद की मैं बात करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, नंबर ऑफ एक साल में नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 177% इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये जवाब मैंने नहीं दिया है, सरकार की तरफ से आया है। डेथ्स ऑफ जवान्स ऑन टेरर अटैक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 106%। 2017 में 354 थे, अब बढ़कर 457 हो गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना में मेरे पास ये प्रमाण है, ये सिग्नल है जम्मू कश्मीर पुलिस का, आप चाहें तो मैं इसको पटल पर रखने के लिए तैयार हूं, जिसमें कि 8 फरवरी 2019 को आईजी जम्मू कश्मीर की तरफ से सिग्नल गया सीआरपीएफ को, आर्मी को, सबको। उसमें कहा गया था, आई रीड, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपरली एज देयर आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईडी मैटर मोस्ट अर्जेंट। खत्म सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर, डिमांड एन आंसर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर श्री एस मुत्तुकरूपन, श्री एस मुत्तुकरूपन, क्रॉस इंटेलिजेंस नॉट प्रेजेंट सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। श्रीमती विजला सत्यनाथ, माननीय सभापति महोदय,
समय तय जो है उसको मैं पालन करने का मुझे आदेश है, मेरी सीमा है। माननीय दिग्विजय जी, आप बड़े वरिष्ठ राजनेता है, आप मेरी मेरी सीमा समझते हैं। आई मूव टू श्री डेरिक डेरिक ओब्रायन, प्लीज प्लीज डेरिक ओब्रायन, डेरिक ओब्रायन जी अकाउंटेबल नहीं माना गया। श्री डेरिक ओब्रायन प्लीज सिट, डेरिक ओब्रायन विचारधारा की लड़ाई, श्री डेरिक ओब्रायन, श्री डेरिक ओब्रायन प्लीज प्लीज ऑल कम, प्लीज प्लीज यू स्टार्ट, प्लीज टेक 2 मिनट्स सर। ये विचारधारा सर, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट डॉक्टर सर, ये अंडरस्टैंडिंग इज स्पेशल फॉर आई विचारधारा की लड़ाई, सो आई विल लव टू श्री डॉक्टर के केशवराव, आई विल मूव टू नेक्स्ट स्पीकर, प्लीज प्लीज बापू हम शर्मिंदा, प्लीज 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 आपके कातिल आज जिंदा है। तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।